तो दोस्तों 10वीं बारी परीक्षा संबंधी एक बहुत बड़ी न्यूज हमारे सामने निकल कर आ रही है। 10वीं बारी परीक्षा की मीटिंग में ये फैसला हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा कि 10वीं बारहवीं की एक मीटिंग आयोजित की गई थी सोमवार को, और उस मीटिंग में क्या फैसला निकल कर आया है सामने, इस नोटिस के माध्यम से इन्होंने क्लियर बताया। सरकार ने एक नोटिस है जो कि जारी कर दिया है, और इस नोटिस में दोस्तों 10वीं और 12वीं परीक्षा से संबंधित जो भी अपडेट आई है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से और इस नोटिस के माध्यम से पता चल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा। 26 तारीख को रात को 9 बजे नोटिस आया था, 9 या 10 बजे के टाइम पर नोटिस आया था माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से। तो इसमें क्लियर लिखा गया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी व्यवसायिक डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन शारीरिक परीक्षण पत्रोपति परीक्षाएं दिनांक 30 अप्रैल 2021 एवं 1 मई 2021 से प्रारंभ होना नियत थी। उक्त परीक्षा 1 माह के लिए स्थगित कर दी गई थी। जैसा कि आपको पता है कि जो परीक्षा 30 अप्रैल और 1 मई से स्टार्ट होने वाली थी, उन परीक्षाओं को 1 माह के लिए स्थगित कर दिया गया था। उपरोक्त के अनुक्रम में सूचित किया जाता है कि मंडल की हाईस्कूल परीक्षा के संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के संबंध में निर्णय लिया जाकर शीघ्र अवगत कराया जाएगा। तो दोस्तों अभी 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के संबंध में अन्य बहुत सारे विकल्प हैं, उन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। बहुत सारे विकल्प हैं, यानी कि क्या जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, क्या ऑनलाइन परीक्षा की जाएगी, ऑफलाइन परीक्षा की, तो बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। अभी एक मीटिंग और आयोजित की जाएगी, उस मीटिंग में क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी इस मीटिंग में क्लियर नहीं हो पाया है कुछ भी। तो इस मीटिंग का एक नोटिफिकेशन आया है 26 तारीख को, माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं 12वीं परीक्षा संबंधित नोटिस आया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, 10वीं परीक्षा में कुछ भी हो या चाहे ना हो, आपको जनरल प्रमोशन ही मिलेगा, इसका नोटिफिकेशन आया है। लेकिन 12वीं की परीक्षाओं जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, इसकी परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही करवाई जाएगी और जून में आयोजित इनकी परीक्षा होना है। जो सूत्रों के न्यूज हवाले से न्यूज निकल कर आ रही है वो यही न्यूज़ है कि 10वीं की परीक्षाओं में जनरल प्रमोशन मिलेगा और 12वीं की परीक्षाओं को जो कि ऑफलाइन मोड में जून में आयोजित करवाई जाएगी 15 जून के बाद में। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, तो वीडियो को ही पैक करते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।